ही भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। चतरा इटखोरी थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में एक महिला की मौत संदेहास्पद स्थिति में कुएं में डूबकर हो गई। महिला का नाम सुषमा देवी, उम्र 25 साल, पति विजय साव है। इसका मायका चौपारण थाना अंतर्गत झापा गांव में हुआ, झापा गांव में है। मृतक झापा निवासी स्वर्गीय राधुश्याम साव की पुत्री थी। इसकी शादी 2016 में इटखोरी कल्याणपुर निवासी विजय साव से हुई थी। मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। मृतक के माता ने इटखोरी थाना में FIR दर्ज करवाई। महिला ने अपने पीछे 3 साल की बेटी, 14 माह का दूध पीता बालक को अकेला छोड़ गई। मृतका के पति विजय साव को थाना प्रभारी निरंजन कुमार मिश्रा ने तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया। महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल में भेज दिया गया। इसके बाद इटखोरी थाना प्रभारी मामले की जांच में जुट गई। आरपी भारत के लिए मुकेश की रिपोर्ट। नीचे ठीक है, क्या नाम है आपका बच्चा? अच्छा, क्या करते तुम मम्मी साथ आपके? हाँ, मारपीट करते हैं पापा? आज भी मारपीट किए थे पापा ने? और कौन कौन मारपीट करता था? मेरे पापा ने, मेरे मम्मी को मारती है छोटा सा, और मेरे को मारती है ना पापा कंघी से। कंघी से मारा था आपको? मम्मी को झाड़ू से मार दिया था? और पापा के अलावा और कोई मारता था घर में उन्हें, मम्मी को? तो मम्मी कितने देर कब से गई है घर से बाहर, आपको मालूम है कुछ? आपको मिली थी मम्मी? कब बता के गई थी कुछ? मम्मी कुछ बोली थी आपको जाते वक्त? चल बेटा ये मम्मी ने पापा तुम किए मेरे को ने मछली खेत में छोड़ दी। तो मम्मी क्या बोली थी आपको, चल बेटा मोरे ले? नहीं, तुम जाएगी छे नहीं जाएंगे। तो आपने क्या बोला, हम नहीं जाएंगे? दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।